अभी एक हमारे बंधु हैं, उनको हम ज्वाइनिंग करवाने जा रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आ रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वो जयपुर की नहीं पूरे राजस्थान की एक जानी मानी हस्ती है। व्यापार जगत में, उद्योग जगत में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्षों से आप अध्यक्ष हैं और पूरे व्यापार जगत में, पूरे उद्योग जगत में शुरू से ही इन्होंने इस राजस्थान की भूमि में उद्योग और व्यापार के प्रोत्साहन के लिए, डेवलपमेंट के लिए हर संभव प्रयास किया, चाहे कोई सरकार हो, लेकिन व्यापारों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस क्षेत्र के जो भी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का हमेशा समाधान किया, उचित स्थान पर उनको रखा। ऐसे शख्सियत को सारा राजस्थान जानता है, व्यापारी वर्ग खास तौर से जानता है, और मीडिया और सोशल मीडिया और चाहे पत्रकारिता, सब लोगों को मालूम है कि केएल जैन साहब एक कैसी हस्ती है। मैं इनका भाजपा परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और हमारे नारायण जी पंचारिया भाई साहब से जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि इनका दुपट्टा पहनाकर इनको भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर शामिल करें। मैं हमारे एससी मोर्चे के अध्यक्ष भाई कैलाशी मेघवाल से भी आग्रह करूंगा, केएल जैन साहब का माला पहन दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। प्रमोद जी वशिष्ठ हमारे मीडिया के प्रमुख हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा केएल जैन साहब का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। और मैं स्वयं भी व्यापारी की तरफ से और पूरे वैश्य समाज की तरफ से आपका जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आग्रह करूंगा केएल जैन साहब से कि मीडिया के सामने सूक्ष्म रूप से दो बात हमारे को कहें। आज मुझे प्रसन्नता है कि देश के विकास के अग्रसर नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका विजन एक ऐसा निराला विजन है जिसने देश को अंतर्राष्ट्रीय जगत के ऊपर उनकी मान्यता एक प्रथम नेता के रूप में हुई है। दक्षिणी एशिया की बात करें, किसी G20 की अभी बात हुई है, सब लोगों ने आकर के देश का भ्रमण किया और इस बात को महसूस किया कि उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। 1914 के पहले हमारी आर्थिक स्थिति 11वें पायदान पर थी, आज वो 5वें पायदान पर है, और अभी अभी जो उनका विजन है 47 तक का, उसमें न केवल अर्थशास्त्रियों का मानना है बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितनी मूडी संस्था है, अन्य संस्थाएं जो रेटिंग एजेंसी है, उन सब की मान्यता है कि भारत निश्चित तौर पर तीसरी इकोनॉमी 1924 तक बन पाएगा। 1924 से आगे आने वाले समय में जो 10 साल का उनका सोच है और जो अभी संकल्प पत्र देखा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे सोशल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, उसके ऊपर उन्होंने खास जोर दिया है। अक्सर बात होती है रोज़गार की, युवाओं के रोज़गार की, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आप नौकर नहीं बनकर नौकर देने वाले बने, ऐसी संभावनाएं हैं। हम तो उद्योग जगत के आदमी हैं, हम तो बराबर निरंतर आंकड़ों में विश्वास करते रहे हैं और आंकड़े से ही आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देखा है कि 2014 के पहले फॉरेक्स का जो रिज़र्व था हमारा, वो 200-250 बिलियन डॉलर के आसपास था, आज वो करीब 650 बिलियन डॉलर का है।
डिफेंस के इक्विपमेंट आत्मनिर्भर भारत का जब नारा दिया, उसमें आज 18,000 करोड़ के सैनिक उपकरण हम विदेशों में निर्यात कर रहे हैं। हमारा निर्यात बढ़ा, आयात कम हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हुआ है, तो सारे उद्योग जगत के, व्यापार जगत के लोगों का ये सोच था कि राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और करीब 54 साल तक उसका सेक्रेटरी जनरल रहा, स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की, उन सब की तरफ से आवाज़ थी कि ऐसे समय में हम सबको और मोदी जी के साथ में जो उनका नारा है 400 के पार, उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए। और अतः यही कारण है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और ये विश्वास जलाता हूँ कि हमारी पूरे राजस्थान में आवाज़ है, न केवल जयपुर में आवाज़ है। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 300 से ज़्यादा एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, व्यापार मंडल, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, वो हम सब से संबंध है। और उन सब के संस्थाओं में से मुझे आशा और विश्वास है कि हम एक साथ आदरणीय मोदी जी के साथ में, उनकी नीतियों के साथ में सहमति रखते हुए उनको समर्थन और संकल्प के रूप में समर्थन देने का वादा करते हैं। और यही वजह है कि मुझे, मैं पंचारिया जी का और आप सबका आभारी हूँ कि मुझे आपने अपने परिवार में सम्मिलित किया। महादेव जी, सोन जी का खास मंशा थी, दिया कुमारी जी भी कल चैम्बर में आई थी, उनका भी ये कहना था कि ऐसे समय में हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। और मैं आज पुनरावृत्ति करते हुए कहता हूँ कि मैं गौरवान्वित हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूँ। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।